हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ करवा चौथ के लिए थाली डेकोरेट कर रहे हैं। उसके लिए हमें यहाँ एक ओल्ड थाली की ज़रूरत होगी और उसके ऊपर हम यहाँ रेड एक्रेलिक कलर पेंट करेंगे। मैंने यहाँ कम से कम 3 से 4 बार कलर करा है और उसके बाद में हम स्केल की मदद से मेजरमेंट लेकर इस थाली को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ चूड़ी की मदद से अंदर और बाहर की तरफ राउंड सर्कल ड्रॉ करके उसमें स्वास्तिक का पैटर्न ड्रॉ करेंगे और कंपास की मदद से बाहर की तरफ फ्लावर के डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह हम लेयर बाय लेयर राउंड डिज़ाइन बनाते जाएंगे और उसके आसपास बेसिक्स पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ सबसे पहले ग्रीन कलर से स्वास्तिक बनाया है और ब्लैक कलर से उसके ऊपर लाइनिंग करी है और उसके बाद में यहाँ येलो कलर से उसकी बाउंड्री बना दी है और हमने जो यहाँ पर फ्लावर की पैटर्न बनाई थी उसके अंदर हम ग्रीन कलर अप्लाई कर देंगे और ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर देंगे और बाहर के सर्कल में हम ब्लू कलर से पेंट करके ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर देंगे और बाहर के जो ट्रायंगल्स बनाए थे हमने उसमें हम येलो कलर अप्लाई कर देंगे और सबसे बड़े सर्कल में हम ग्रीन अप्लाई कर उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन बना देंगे। उसके बाद में हम यहाँ बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे और इसी तरह हम यहाँ स्वास्तिक को और डेकोरेट करने के लिए बीड्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉप साइज, राउंड साइज और अलग अलग तरह के रेड बीड्स, हाफ कट बीड्स हैं सारे, मैंने ये सब अप्लाई करे हैं। इसके बाद में हम यहाँ मिरर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ स्मॉल ट्राइंगल और बड़े वाले मिरर्स भी अप्लाई करे हैं। इसी तरह हम यहाँ कुछ लेसेस लेकर अंदर और बाहर की तरफ चिपका देंगे इस तरह से और एक स्ट्रॉन्ग ग्लू से ही चिपकाएं ताकि बार बार खुलने की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह यह थाली बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थाली बनकर बिल्कुल तैयार है और अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट लग रही है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको यह कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।